राइज कुएं में गिरकर बाघिन की मौत, शव को निकाला बाहर। पानी में डूबकर बाघ के मौत की आशंका, काफी पुराना शव है। डीफीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोतीपुर रेंज में के तमोलिन पुरवा गांव में स्थित बाघ के कुएं में गिरकर बाघिन की मौत हो गई। बाघ के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल किया गया गठित। डीएफओ के मुताबिक पानी में डूबने से बाघ मादा बाघ की हुई मौत। करतियाना घाट वन जीव प्रभार के मोतीपुर रेंज अंतर्गत तमोलिन पुरवा गांव का मामला। डीओफीओ ने बताया कि मृतक बाघ की उम्र महज 1.5 वर्ष है, शायद साथ ही बाघा मादा है। जी, हमारे रेंजर साहब मोतीपुर को इस चीज़ की सूचना मिली और सूचना मिलते 15 मिनट के अंदर हमारी टीम यहां पे मौके पे थी। अभी मौके से आपसे बात कर रहे हैं। जी जी। और यहां पे एक आम का बगान है, उस बगान के अंदर एक कुआं है जिसकी कोई मुंडेर नहीं थी, बहुत छोटी मुंडेर थी। इसके अंदर अभी एक शव हमें बरामद हुआ है जो ब्राइमा सेसाई प्रथम दृष्टया एक टाइगर के सब एडल्ट का ही शव लग रहा है, क्योंकि वो 2 से 2.5 फीट का शव है जो यहाँ पे कुछ दिन हो गए होंगे इस पानी के कुएं के अंदर गिरा होगा। अच्छा, क्योंकि कोहरा का भी आजकल दिन है और क्योंकि इस कुएं की कोई मुंडेर भी नहीं है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइगर का जो सब एडल्ट जो कब है ये इसके अंदर पानी के गिर रहा था और बॉडी इसकी थोड़ी डीकम्पोज भी होनी शुरू हो चुकी हुई है जी। इसकी बॉडी को अभी हम रिट्रीव कर रहे हैं, अभी यहाँ से निकालेंगे, निकाल के इसको क्योंकि आज संडे का दिन है, कल IVRI बरेली में इनके सैंपल को भेजा जाएगा, विसेरा सैंपल को विसेरल एनालिसिस के लिए। प्रथम दृष्टि ऐसा कुछ कोई लग नहीं रहा है कि किसी ने कुछ इसमें फाउल प्ले कुछ नहीं लग रहा है जी। जी। कोई ऐसा अभी कोई बॉडी में, क्योंकि एक तरफ ही देखा है, एक फ्लैंक पे कोई हंटिंग के या कुछ इस टाइप के निशान लग नहीं रहे, कोई गोली के कोई वुंड्स नहीं है, क्योंकि बॉडी भी डीकम्पोज हो चुकी है पानी में पड़ी पड़ी 2-4 रोज से जी। और क्योंकि ये हमारे जंगल क्षेत्र के बाहर का मामला है, बाहर के राजस्व गांव का ही मामला है जी। तो इसीलिए जैसे ही हमारे स्टाफ को पता लगा, हम पहुँचे भी इस पर विसरल एनालिसिस के लिए। इसकी बॉडी को हम तत्काल वहाँ पर ले जाके आइस हमारा जो डीप फ्रीजर है उसके अंदर रखेंगे और कल इसकी बॉडी को हम विसरल एनालिसिस के लिए IVRI बरेली भेजेंगे।